दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का तरीका है वो सही है या नहीं? जैसे आपको सबको पता है कि भाई वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट स्टिल वी आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। व्हाई? दोस्तों हार्ड वर्क करना और हार्ड वर्क को हार्ड वर्क के तरीके से करना, स्मार्ट वर्क करना और स्मार्ट वर्क को स्मार्ट तरीके से करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। गाइस मैंने दो सेशन पहले ही ला के रख दिए हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब बताई गई है, फ्रेजल वर्ब बताई गई है, राइट? तो क्या है फ्रेजल वर्ब? मैंने देखा कि जो 2017 में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स आई थी, मैंने उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करी है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, इसीलिए हम ये तीसरा सेशन ला रहे हैं ओनली ऑन फ्रेजल वर्ब्स जो कि एग्जाम में आती है। सो गाइस पहले के दो जो सेशन है उन्हें जाके देखिए और ये जो है ये तीसरा सेशन है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज समीर मीना एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रेजल वर्ब्स व्हिच केम इन 2017 इन आईबीपीएस। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज पुट द कमेंट डाउन साइड ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस चीज की सुधार करना चाहिए एंड मैनी मोर थिंग्स। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये रहा आपके सामने फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 3, इंप्रेसिव इंग्लिश समीर सर। गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सून, क्योंकि मैंने जो पिछली दो वीडियोस लेके आया हूँ फ्रेजल वर्ब के लिए वो सारी की सारी वोकैब्स एग्जाम में आ चुकी हैं। बिलीव मी, आप सर्च करके देख सकते हैं 2017 IBPS PO का जो एग्जाम हुआ था उसमें सारी वोकैब्स आई थी, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड प्लीज बी रेडी विद दीज वोकैब्स। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ दोज वोकैब्स व्हिच आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू सून। उसको अच्छे से देखिए, इसके बाद ये फिल जरूर करना है एंड यू हैव टू सेंड मी डाउन साइड इन द कॉमेंट सेक्शन। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वोकैब इज लेट डाउन। यू माइट हैव हर्ड दिस वोकैब बिफोर, दैट इज डिसअपॉइंट। गाइस लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंट। लेट्स सी द एग्जाम्पल। लुक वी विल लेट हिम डाउन इफ वी डोंट गेट ऑन टाइम। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो हम उसको निराश कर देंगे, वो निराश हो जाएगा। तो लेट डाउन मीन्स होता है डिसअपॉइंट करना, किसी को निराश कर देना। राइट, तो लेट डाउन जो वोकैब है वो आपके एग्जाम में आ सकती है, आप और भी एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिएगा। दूसरी वोकैब हैंड डाउन। हैंड डाउन मीन्स गिव टू समवन यंगर, किसी छोटे को कोई चीज देना। एग्जाम्पल द ट्रेडिशन वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम फादर टू सन, उनकी जो ट्रेडिशन थी वो पापा से बेटे को दी गई थी। ट्रेडिशन वॉज हैंडेड डाउन, ये ट्रेडिशन दी गई थी। दोस्तों ये पैसिव वॉइस है जिसमें आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पर हैंडेड, हैंड की थर्ड फॉर्म हैंडेड होती है, मीन्स दी गई थी। थर्ड एग्जाम्पल इज हैंड इन। हैंड इन मीन्स गिफ्ट टू पर्सन इन अथॉरिटी, किसी भी बंदे को एक अथॉरिटी देना किसी काम को करने की, या फिर सौंप देना। एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स हैंडेड देयर असाइनमेंट इन टू द टीचर, जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो हवाले कर दिए थे, जमा कर दिए थे किसके पास, टीचर्स के पास। हैंडेड देयर असाइनमेंट, दोस्तों जो भी चीज़ आएगी वो हैंड के और इनके बीच में आएगी, तो कोशिश करिएगा और एग्जाम्पल बनाने की इस वोकैब पर। नेक्स्ट इज हैंड ओवर। हैंड ओवर मीन्स पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, हैंड ओवर कर देना। आपने सुना होगा ये वोकैब हैंड ओवर। एग्जाम्पल यार आई एम नॉट सॉरी टू हैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर टू यू, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, खेद नहीं है मुझे कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हवाले कर दी। आई एम नॉट सॉरी, मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। नेक्स्ट वो क्या इज हैंग अप। गाइस हैंग अप मीन्स ब्रेक अप द टेलीफोन, सॉरी ब्रेक अ टेलीफोन कनेक्शन,
एक इसमें नी वो क्या भी मैं दे रहा हूं आपको, श्रग ऑफ, भाव ना देना। हुआ ये कि मैंने कॉल किया बंदी को, बट शी वॉज श्रगिंग मी ऑफ, शी वॉज श्रगिंग मी ऑफ, सो आई हंग अप द फोन। भाई फोन किया, भाव नहीं दे रही थी यार, फोन काट दिया मैंने, आई हंग अप द फोन। सेकेंड फॉर्म होती है हैंग की, हंग अप, शी वॉज श्रगिंग मी ऑफ। गाइस श्रग ऑफ इज द नेगेटिव बुक है, इसके साथ नॉट मत लगाइएगा। आपको लगता है कि वो भाव नहीं दे रही थी, नहीं दे रही है, नहीं तो आ रहा है, तो नॉट कहाँ गया बेटा, दिस इज अ नेगेटिव बुकैफ, ऑलराइट, श्रग ऑफ। नेक्स्ट इज होल बैक, होल बैक मीन्स रिस्ट्रेन और डिले, मतलब एग्जाम्पल देके आपके साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ही सो एंथुजियास्टिक इट इज हार्ड टू होल्ड हिम बैक, भाई बहुत एनर्जेटिक है, अब मुश्किल है उसे, मतलब उसे डिले करना, टालना, उसको वापस बुलाना मुश्किल है, होल्ड हिम बैक, उसे रोक पाना मुश्किल है अब भाई, इट इज हार्ड टू होल्ड हिम बैक, रोक पाना। नेक्स्ट बुक है इज आयन आउट, आयन आउट मीन्स रिमूव, ये बहुत अच्छी बुक ऐप्स है, आपने इसकी जगह पर रिमूव कई बार यूज किया होगा, राइट, आयन आउट। गाइस आर को प्रोनाउंस ना करें, दैट इज नॉट आयरन आउट, दैट इज आयन आउट। एग्जाम्पल, आई एम श्योर वी कैन आयन आउट एवरी डिफिकल्टी, मुझे पूरा यकीन है हम हर एक डिफिकल्टी से लड़ सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं, आई एम श्योर वी कैन आयन आउट एवरी डिफिकल्टी, राइट। तो एग्जाम्पल्स को लिखते चलें, क्योंकि आपको लास्ट में सॉल्व करना है एक बड़ी सी एक्सरसाइज। नेक्स्ट बुक है इज नॉक आउट, आई एम डैम श्योर आपने ये चीज़ सुनी ही होगी, नॉक आउट, मेक अनकॉन्शियस, ये ज़्यादातर यूज होती है कहाँ पर, रिंग में बॉक्सर्स के साथ, वो नॉक आउट हो जाते हैं, नॉक आउट मीन्स होना, घायल हो जाना, परास्त हो जाना। बॉक्सर्स आर ऑफन नॉक्ड आउट, बॉक्सर अक्सर परास्त हो जाते हैं, नॉक आउट हो जाते हैं, नॉक आउट। द थर्ड फॉर्म इज नॉक्ड आउट। नेक्स्ट बुक है इज लैप अप, ओ वाओ, एक्सेप्ट ईगरली, किसी भी चीज को ईगरली एक्सेप्ट करना। एग्जाम्पल, द पब्लिक लैप्ड अप द स्टोरी, पब्लिक ने ईजली ईगरली स्टोरी को एक्सेप्ट कर लिया, राइट, द पब्लिक लैप्ड अप द स्टोरी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एब्सेट क्यों यूज नहीं कर सकते, गाइस करो यूज, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू यूज ओनली दोज बुक विच आई एम गिविंग यू। देखो यार, जो एग्जाम में आता है मैं वो चाहता हूँ कि आप वो पढ़ो, ना कि जो सिंपल बुक है विच वी यूज डेली इन अ स्पोकन लैंग्वेज, राइट। सो लैप अप। नेक्स्ट इज ले ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, पुट आउट ऑफ वर्क, काम से निकाल देना। द कंपनी लेड ऑफ 20 वर्कर्स, जरूरत नहीं थी तो कंपनी ने 20 वर्कर्स को काम से निकाल दिया, लेड ऑफ कर दिया। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज ले ऑफ। मैं पिक्चर्स भी साथ में लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था वो सारी चीजें, और एट द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेसियस टाइम। आप प्लीज भूलिएगा मत एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, दिस इज द एक्सरसाइज, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर नीडी फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।